एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं 11th की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास CDNP जिगमंड एजुकेशन में। और आज की यह क्लास सेट थ्योरी की है और सेट थ्योरी का स्थान मैथमेटिक्स में बहुत ही खास है और इसको पढ़ने के लिए एक विशेष इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है तो आपका इंटरेस्ट बनने भी लगता है। ठीक है, तो आज इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे इस बात को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज के सेट्स समुच्चय वाले टॉपिक में हम कुछ बातें इम्पोर्टेंट देखेंगे जो ऑल टाइम यूजफुल होती हैं और आप लोग इन्हें अच्छे समझेंगे। यहाँ पर देखिए हम कुछ सेट्स बनाएंगे। ये देखिए हमने लिया सेट A इज इक्वल टू, ठीक है, और इस सेट में हम कुछ नंबर्स शामिल करेंगे। जैसे देखिए 10 है, 6 है और ये 2 है, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम एक और सेट बनाएंगे, ये है सेट बी, ठीक है, और इस सेट बी में हम फिर से कुछ नंबर्स चूज करेंगे और सपोज करिए ये नंबर्स हैं 4 और 11 और 9, ठीक है, और एक और ले लेते हैं चलो, क्योंकि कोई जरूरी कि 3 ही लें, हम ज्यादा भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये सेकेंड सेट बी बन गया, ठीक है। अब अगर हम इनको हम मिलाना चाहें, इनको मिक्स करना चाहें, ठीक है, इस बात को ऐसा भी समझें जैसे सपोज करिए कि आपके बेस्ट CDNP स्कूल में आपकी 11th क्लास है और ये क्लास 11th हिंदी मीडियम है, ठीक है, तो इसके सेट को हम नाम दे देते हैं ई, इसके सेट को हम नाम दे देते हैं एच, क्या नाम दे देते हैं एच, और इसमें जितने भी आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबके बारी बारी से यहाँ नाम लिख देते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सबके नाम लिख दिए हमने, ठीक है। और इसके बाद आपके स्कूल में ही एक क्लास और है, वो है 11th इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तो इसको हम सेट ई बोल देते हैं। अब इसके बाद इंग्लिश मीडियम में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबके नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक काम दिया गया और वो काम ये था कि इन दोनों ही क्लास को कंबाइन करना है। सपोज करिए कि कोई खास काम आ पड़ा स्कूल में, आप सभी लोगों को एक क्विज कराना है या कोई कंपटीशन कराना है, कोई फॉर्म भराना है, तो आप लोगों को मिक्स किया जाना है, मतलब एक ही हॉल में बैठना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बारी बारी से बेंच में अपनी अपनी सीट में बैठ जाएंगे, ठीक है, और ये बड़ा वाला सेट बन जाएगा, ठीक है। इस बड़े वाले सेट को हम क्या कहते हैं, इन दोनों ही सेट का यूनियन कहते हैं, इसका हम क्या बोलते हैं, इसका संघ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, संघ, और इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, और इसे लिखना पड़ता है एच यूनियन ई, क्या लिखते हैं एच यूनियन ई,
अब देखिए यहां पर जो हमने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया था जिसमें सेट ए लिया है और सेट बी लिया है, अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करना चाहें तो कैसा लिखना पड़ेगा हमको? इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और इसमें जितने पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं मतलब 10, 6, 2, 4, 11, 9 and 16 ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ए संघ बी, ए यूनियन बी, समझ रहे हैं? मतलब यूनियन को किससे? इस सिंबल से, ये एक प्रकार का क्या है, यू ही है, तो इसको इस सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जब भी हमें संघ लिखना है या यूनियन लिखना है तो हम उसको इस सिंबल से लिखेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दो सेट ले रहे तो उनमें अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई एक ऐसा एलिमेंट्स है, कोई एक ऐसा एलिमेंट्स है, कोई एक ऐसा अवयव है जो किसमें है, जो दोनों में पहले से उपस्थित है। मान लो हम एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें ये देखिए थोड़ा चेंज करते हैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए। मान लो इसमें हमने एक एलिमेंट क्या है लिया, 8 लिया, और इसमें भी क्या कर लिया है, 8 ले लिया है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन बनाएगा, ए यूनियन बी, ये सेकंड कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट वाले लिख के बताई हमने, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 10, 6, 8, 4, 11, अब फिर से 8 आया, तो 8 तो एक ही चीज होती है इसलिए उसको कभी रिपीट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान दें, दोबारा यहां पर 8 नहीं लिखेंगे। इस बात को आप लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं आप लोगों को, आप लोग उस एग्जाम्पल को सुनिए और आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कोई भी एक गर्ल्स है, एक लड़की है, और अपने स्कूल से ले लिया, अपनी क्लास से ले लिया, चंदा देवी स्कूल से, CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल से ले लिया, और उसकी एक क्रिकेट टीम बनाई जाना है, ठीक है, एक गर्ल्स क्रिकेट टीम बनाई जाना है, ये देखो, और इस टीम में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 11 सेलेक्ट किए गए, कितने सेलेक्ट किए गए, 11, ठीक है, और एक पूरी सिहुरा नगर पालिका से, ठीक है, सिहुरा नगर पालिका से पूरे जितने स्कूल हैं उन सब में से भी एक 11 की टीम सेलेक्ट की गई, समझ रहे हैं, ध्यान देना, नगर पालिका से जब सेलेक्ट किए गए हैं उनमें जरूरी नहीं है कि वो बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हों, वो कहीं और से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अब सिहोरा की एक टीम बाहर भेजनी है जो किसी दूसरे से, जबलपुर से या भोपाल से उसका मैच कराया जाना है, ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट टीम थी, एक CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल की और दूसरी रेस्ट से, बाकी पूरे सिहोरा की, ठीक है, सिहोरा से छाटे गए इतने 11 स्टूडेंट से, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब दोनों की हमें यूनियन बनानी है, पहले दोनों का क्या करना है, यूनियन बनाना है। अब इसमें एक गर्ल्स ऐसी है, एक लड़की ऐसी है जिसका नाम समझ लो कि क्या है, इसका नाम ए है, क्या नाम है, ए, और ये लड़की अपने स्कूल में भी की हुई टीम में भी है, ये देखो,
ये लड़की अपने स्कूल की टीम में भी है और ये लड़की नगर पालिका सिहोरा की टीम में भी है, समझ रहे हैं? तो फिर अगर हम यहाँ सब दोनों की टीम लिखना है तो जो ए नाम की गर्ल्स है, लड़की है, क्या उसको दो बार लाया जा सकता है क्या सेट में? आंसर आएगा नहीं लाया जा सकता, क्योंकि गर्ल्स तो लड़की तो एक ही है, वो जो चाहे वो सिहोरा की टीम में भी काउंट कर ली जाए और चाहे अपने स्कूल की टीम में भी काउंट कर ली जाए। इसलिए जब यूनियन बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, मतलब दोनों सेट के इकट्ठे पूरे के पूरे एलिमेंट्स हम लिख तो देते हैं, लेकिन उनमें से कोई अगर दोनों में है उसको क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमने बताया कि इसमें क्या है, नंबर जो 8 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये किसमें है, ये दोनों में है, इसलिए हमने दो बार नहीं लिखा, इसको कितने बार लिखा है, एक बार लिखा है, समझ रहे हैं? इस बात को चलो हम और भी अच्छे ढंग से बताते हैं। इसके लिए एक वेन डायग्राम आप लोगों के सामने हम बनाएंगे, ठीक है? वेन डायग्राम क्या होता है ये समझ भी लेंगे आप लोग। ये देखिए, पूरे सेट को एक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करना। ये देखिए, ये बड़ा सा एक रेक्टेंगल बनाया और ये वास्तव में यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, मतलब इसके अंतर्गत सभी सेट होते हैं, सबसे बड़ा समुच्चय है ये, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। जितने भी सेट होंगे, जो भी सोचेंगे, ए बी सी डी ई एफ, जितने भी सेट बनाएंगे हम, वो सबके सब किसके अंतर्गत माने जाएंगे, एस में माने जाएंगे, एस को बिलोंग्स करेंगे वो, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब टू सेट्स, दो समुच्चय हम लेते हैं, ठीक है? टू सेट मतलब कौन कौन से, एक ले लिया हमने ए, ठीक है, और दूसरा ले लिया हमने क्या, बी, दूसरा सेट क्या ले लिया हमने, बी ले लिया। ये देखो, ये दूसरा सेट हो गया और इनका हम नाम भी दे देते हैं। ये पहला वाला क्या है, ए है, और दूसरा वाला क्या है बोलो, बी है, ठीक है? अब पहले वाले में कितने एलिमेंट्स हैं पहले वो लिख के बताते हैं हम, इसको थोड़ी देर को अलग करते हैं पहले। ये देखिए, मान लो इसमें है 1, 2, 3, 5, ठीक है? अब इसके बाद सेकंड वाला जो है उसमें कितने हैं, सेकंड वाले में है 4, 5, 6, 7, 8, ये देख लो, देख रहे हैं? अब इनमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। इसलिए जब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन लिखेंगे, ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक सेवन हो गया, सेवन तक है। ये लो, ये क्या बन जाएगा बोलो, ए यूनियन बी, क्या बन गया, ए यूनियन बी। अब इसमें हम क्या देखते हैं, 5 क्या है, दोनों में है, 5 किस में है, दोनों में है, तो एक और यहां पर सेट्स में, समुच्चय में एक विशेष ऑपरेशन होगा, एक विशेष संक्रिया बनेगी। जैसे यूनियन है, इसका जस्ट अपोजिट वाला, इसमें हमको क्या देखना है, ऐसा एलिमेंट्स जो दोनों में हो, मतलब ए में भी हो और किसमें हो बोलो, बी में भी हो, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ओनली 5। अब ये क्या है, ये दोनों में कैसा है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, तो इसे हम समुच्चय में क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, या इंग्लिश में इंटरसेक्शन,
कैसा लिखते हैं इसको? इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन या किसके लिए? सर्वनिष्ठ। इसका जस्ट उल्टा बना दो, उल्टा सिंबल पलटा के बना दो, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। निश्चित रूप में आप लोगों को दोनों बातें समझ में आई होंगी कि यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को यूनियन के बारे में और भी विस्तार से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनियन के बारे में और उसके बाद इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, दोनों ही टॉपिक अलग अलग हैं और फिर दोनों को मिक्स करके भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन की चर्चा और डिटेल में करते हैं, जरा ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखा जाता है? इसमें परिभाषा क्या बोलेंगे हम? अगर मान ले, माना कि ए एंड, ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट। ठीक है, माना कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब देन ए यूनियन बी, या यूं कहा जाए कि यूनियन ऑफ ए एंड बी डिफाइन एस, हिंदी में हम बोल देते हैं लिखने के बदले, माना कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए और बी का संघ इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, डिफाइन एस सच दैट, कैसा डिफाइन किया जाता है ये समझिए, इसको कैसे लिखने हैं, सिंबॉलिक कैसा लिखना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, एक एलिमेंट एक्स है, ए यूनियन बी, समझिए बात को, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, एक्स लिखा। अब एक्स का मतलब क्या बताना है कि एक्स किस में होना चाहिए, सच दैट हम क्या लिखेंगे, एक्स इस प्रकार से है, किस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ए का अवयव है, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, एक्स ए में शामिल है, एक्स ए में शामिल है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वैसे दोनों मीडियम वाले एक सा ही पढ़े, एक्स बिलोंग्स टू ए ही बोले। ठीक है, और यहां लिखना पड़ेगा क्या, ओ आर, ये हिंदी वालों को लिखना है तो या लिख सकते हैं। ठीक है, या एक्स बिलोंग्स टू बी, ध्यान देना ये ओ आर वर्ड जो है ये इसका मीनिंग मैथमेटिक्स के सेट थ्योरी में इंग्लिश लिटरेचर या का मतलब हिंदी साहित्य के अर्थ से थोड़ा सा भिन्न होता है। सामान्यतः हम और या का मतलब क्या निकालते हैं, आप टीम ए में हो या टीम बी में हो, या का मतलब क्या हो, इसमें या फिर इसमें। ठीक है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, यहां पर ए का और का मतलब क्या है, जो एक्स है किसमें है, ए में है या फिर किसमें है बोलो, बी में है या फिर दोनों में भी हो सकता है। देखिए जैसे यहां क्या लिया अपन ने कि कोई एलिमेंट्स किसका, ए यूनियन बी का, सपोज किया हमने दो लिया हमने, तो टू किसमें है बोलो, एक्स ए में है। फिर हमने क्या बोला, सिक्स बोला, सिक्स किसमें है बोलो, बी में है। लेकिन मान लो हमने फाइव लिया तो क्या हो गया, वो फाइव लिया तो ए में भी है और वो बी में भी है। ठीक है, इस वजह से यहां पर या फिर और, इन दोनों के मतलब क्या निकालने हैं, या तो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो। ठीक है, ये और या का सिंबल
मैथमेटिक्स में ऐसा भी लगा दिया जाता है, अगर आपको सिंबॉलिक लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, उल्टा हो गया ये, क्या हो गया ये उल्टा, ये है आर, ठीक है, और ये हो जाएगा आर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो अगर ये नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे आप लोग और या फिर या लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए, मिस्टेक नहीं करेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे या और यही लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, ठीक है। बाकी अपने मन से वा और एंड ये सब और कुछ भी नहीं लिखेंगे, कॉमा भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल एक एक कॉमा का मीनिंग निकलता है, एक एक शब्द का अलग अर्थ हो जाता है मैथ्स में, इसलिए आप लोग 11th क्लास में पहुंच गए हैं और आप लोग अब जनरल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान आप लोगों को रखना ही पड़ेगा, या लिखना है या इंग्लिश मीडियम में और लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा सिंबॉलिक लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ बातें और भी समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ आसान से क्वेश्चन आप लोग मन से ही बना सकते हैं, जैसे मान लो आप लोगों को ऊपर ही दिया है तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसी से बना देते हैं। ये सब सेट क्या है अपना, ए है और एकाध सेट सी भी बना देते हैं, चलो तो सी में क्या है मान लो 3, 9, 10, ठीक है। अब आपसे कहा गया क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकाल दिया हमने, अब ऐसे ही कहा जाए ए यूनियन सी निकालो, कैसे निकालोगे बोलो, पहले ए के पूरे लिखो 1, 2, 3, 5, ध्यान देना 5 ए का ही माना जाएगा, ठीक है। अब सी में और क्या है बोलो, 3 तो हो चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, 9 और ये 10, ये क्या हो गया ए यूनियन सी। अब आपको कहा जाए बी यूनियन सी निकालो तो क्या करोगे, बी यूनियन सी में बोलो पहले बी के लिखेंगे, कहां से लिखेंगे 4, 5 भी देखो बी का कहलाएगा, 6, 7 और ये 8, सी में क्या है, सी में है 3, 9 और 10, ठीक है, 3, 9 और कितना बोलो 10, आया समझ में, यूनियन निकालते बनेगा बन जाएगा, ठीक है। अब हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म देखते हैं, कुछ थ्योरम्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, हिंदी में महत्वपूर्ण गुण या गुणधर्म, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे इसमें क्रम विनिमेय नियम, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम क्या कहता है,
फॉर एनी टू सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, मतलब इनको पलट के लिख देना क्रम विनिमय है, क्रम का विनिमय मतलब क्रम को अदला बदली कर देना, एक्सचेंज कर देना ऑर्डर को। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? बाई डेफिनेशन, या हिंदी में क्या लिखेंगे? परिभाषा से। परिभाषा क्या बोलेगी? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जैसा ये ऊपर लिखा हुआ है ये लिखना है अपन को, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। हो गया। अब बताइए, मान लो हमने कहा आपसे कि रेड या येलो, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, येलो या रेड एक ही बात है ना। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हम बोल सकते हैं एक्स सच दैट, हमारी मर्जी, हम चाहे ए को पहले लिखें चाहे बी को लिखें, हम मन से क्या करते हैं, अपने लॉजिक सोच करके इसको आगे लिख देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या देख रहे हैं? अगर ए था तो पहले ए आया था, बी था तो क्या आया था बोलो? बी। अब यहां पर पहले क्या कर दिया हमने? बी कर दिया, बाद में क्या कर दिया? ए। इसका मतलब क्या बन गया? ये बी यूनियन ए बन गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद सेकंड है, सेकंड लेते हैं हम एसोसिएटिव ला। क्या लेते हैं? एसोसिएटिव लॉ, मतलब साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम कहता है ए यूनियन बी, और ये लिखा ब्रैकेट में, और फिर लगाया यूनियन सी। अब ब्रैकेट की अदला बदली करो, पहले लिखते हैं सिर्फ ए, अब यूनियन, अब ब्रैकेट में क्या? बी यूनियन सी। ठीक है, समझ गए। अब ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, चलो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बोलो? ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में, और बाहर क्या है? यूनियन सी। तो हम क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन इस पूरे ए यूनियन बी को कुछ एक पढ़ लो मन में, जैसे हम पढ़ लेते मन में डी लिखा हो, क्या देखेगा? डी यूनियन सी। क्या देखेगा? डी यूनियन सी, समझ रहे हैं? इस पूरे को एक पढ़ लो, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है इसको मन में क्या पढ़ लो? इसको पढ़ लो जैसे लिखा हुआ है डी। क्या लिखा है? ये डी। तो डी यूनियन सी, इसी रूल से हम क्या बताएंगे बोलो? इसके हिसाब से अगर हम बताएंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्स, फिर क्या लिखेंगे बोलो? सच दैट, क्या लिखेंगे बोलो? एक्स बिलोंग्स टू डी, डी मतलब क्या है? ये ए यूनियन बी लिखेंगे, और फिर क्या लिखना पड़ता है बोलो? ये हो गया, ये डी मतलब ये हो गया। अब और क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू सी, हो गया। चलो आगे देखते हैं, एक्स सच दैट, अब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और ये लिख दिया और एक्स बिलोंग्स टू सी।
मतलब ए यूनियन बी को ये लगा दिया हमने, ये वाला खोल दिया, ये इसका मतलब ये लगा दिया, ये लिखा ना ये, उसके बदले ये लिख दिया हमने ये, ठीक है, ये बाकी पहले से लिखा हुआ है ये। अब फिर देखो आगे, आगे क्या करेंगे हम, आगे देखो एक्स सच दैट, अब ये और लिखा है, इनको अपनी मर्जी के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और ये लिखा और फिर लिख दिया बाद का पूरा, क्या एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, हो गया, बस आगे बढ़ो। अब क्या लिखेंगे बोलो, ये लिखेंगे हम इसमें, इसमें लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या ए, और एक्स बिलोंग्स टू ये क्या है बी और सी, मतलब यूनियन, कैसा एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ये लो आया, और एक्स सच दैट, अब फिर से एक्स बिलोंग्स टू ए और जैसे लिखा हो एक्स बिलोंग्स टू ये डी को इकट्ठा पढ़ लो इसको, ऐसा एक सेट पढ़ लो लिखा है, तो अब डायरेक्ट लिखना पड़ेगा अपन को, यहां पर लिखने की अगले स्टेप की जरूरत नहीं है, हम क्या लिख देंगे, ये ए लिखा है बिना ब्रैकेट के तो लिख देंगे ए, और लिखा है मतलब यूनियन, अब ये खट्टा लिखा है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे बी यूनियन सी, ये देखिए ये क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसी क्रम में एक्सरसाइज 1E को करेंगे, पूरे 12 क्वेश्चन है इसमें, ट्राई करेंगे, और इसमें 4 एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, फिर जो नहीं बनेंगे वो आप लोग पूछ लें, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी ने इस क्लास को अच्छे से अटेंड किया, और अगर कोई बात छूट गई हो आपसे तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करिए, और फिर से क्लास अटेंड करिए, फिर से पढ़िए, फिर से समझिए, बार बार समझिए जब तक आपको पूरा क्लियर ना हो, और अब इसके बाद अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिए, होमवर्क के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करके होमवर्क करके जरूर भेजें। आज के लिए इतना ही है, और कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगा के जरूर पढ़ें।